हाँ तो मेरे जिगर के छल्लो, सब्सक्राइब करें गौरव जोन को और घंटे का ऑप्शन दबाएं लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। देखो कैसे फटाफट फटाफट भर रही है, देख रहे हो जैसे वो मशीन से भरते हैं ना, ऐसे फास्ट भर। तो उड़ाने का तरीका जब इसकी नोक ऊपर हो तो खेच मारने आपको ऐसे। तो दोस्तों ये लाल वाली पतंग मेरी है, देखो पीछे करके देखो वो खेच मार रहा पन्नी वाला। आई पो काट दिया, देखो दोस्तों इसकी पतंग लपेटूंगा। जिगर के छल्लो, कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। तो दोस्तों ये वीडियो आपने काफी कमेंट डाला था कि उस वीडियो में भाई उड़ा के दिखाओ और मंजे का रिव्यू तो कैसा निकला, जो आपने सस्ता तो मुझे मिल गया था उस मार्केट से। अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है सदर बाजार की, जहाँ से पतंग और ये सब होलसेल का सामान मिलता है, मैंने वीडियो बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा तो वो देख लेना, उसके बाद ये देखना, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। तो मैं मंजा खरीद के लाया था उस मार्केट से, ठीक है, होलसेल का मार्केट है। अब तो मैं उसको उड़ा के और रिव्यू दूंगा कि भाई ठीक है सस्ता तो होती है मंजा, लेकिन उड़ाने में बेहतरीन होता है कि नहीं होता, क्वालिटी कैसी होती है, तो वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में इस बार स्मार्ट वॉच लगी पड़ी है, और दोस्तों चीपेस्ट स्मार्ट वॉच है और बहुत बेहतरीन है, इससे कॉलिंग वॉलिंग सब हो जाती है जैसे आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको इसका रिव्यू देखना है, अनबॉक्सिंग देखना हो, कितने की है सब देखना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो मैं इसकी बना दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने दोस्त की छत पे आया था, ये मेरा घर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर पे वहाँ उड़ती नहीं है, तो कॉलोनी में वहाँ सब ऐसी है, ठीक है। तो मैं यहाँ दोस्त की छत पे आया था, तो मुझे लगा यहाँ भी उड़ रही होगी पतंग, मौसम अच्छा हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ भी एक भी पतंग नहीं है, तो मैं मंजा टेस्ट कैसे करूं। तो अब मैं दूसरे दोस्त की छत पे जा रहा हूं, वो रहता है मदनगिर, पहले ही मैं वहां पतंग उड़ाता था और अभी भी मैं वहीं मैक्सिमम पतंग उड़ाता हूं, वहां पे पतंग बहुत ज्यादा उड़ती है अंगिनत, ठीक है। तो वहां जाते हैं और इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि बहुत कम होता है, जैसे मैं ऑटो में ट्रेवल करता हूँ, बट आज मेरी बाइक मेरा भाई ले गया और कार मेरी थोड़ी खराब है और अर्जेंट मेरे को जाना था, क्योंकि आज का ही दिन है जब मैं उड़ा के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कल मेरा बिजी है, उसके बाद फिर दुबई की तैयारी, तो फिर आज मैं इसलिए जा रहा हूँ। और कैसे ना जैसे बस पहुँच रहे हैं अभी, वो मेरा दोस्त पतंग खरीद गया और सब रेडी है, सेटअप रेडी है, उसकी छत पे जाते हैं और पूरा शूट करते हैं फिर बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मदनगिर में चाली काफ़ी फेमस है, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो पता होगा, तो यहाँ पे पतंग निकलवाई है मैंने, पूरा खोखा निकलवाया। ये है कितने की है? ये छः की दे रहे हैं लोग वहाँ से, बढ़िया। तो यहाँ है देखो 6 रुपए की, इतनी बढ़िया। मैं बचपन से यहीं से पतंग ले जाता हूँ पूरा खो, अब यहाँ से ही लेंगे पतंग और फिर उड़ाते हैं, ठीक है। कौन सी वाली लूँ मेरे को, ये वाली सही लग रही है, और एक येलो वाली लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। दोस्तों ये पतंग ले लिया मैंने, ठीक है, 4 पतंग लिया, खैर उड़ा तो पाऊंगा नहीं कह रही इतनी, बट फिर भी एक पतंग से अपना हो जाएगा सारा काम। ये और ले रहा अपनी, जल्दी ले वे। तो दोस्तों अब छत पे आ गया है मैं उसकी, और पतंग रेडी है और पूरा सेटअप का पूरी तैयारी कर दी है, एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाऊंगा, एकदम पूरा टाइम लैप्स एम लैप्स डाल के। और एक बार छत का नज़ारा दिखा दो, नज़ारा देखो कितना ऊपर है हम, और काफ़ी ज़्यादा पतंग उड़ रही है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पूरा पीछे, तो दिखाते हैं पूरा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जाकिर से मैं खरीद के ले जा रहा हूँ, तो ये मेरा दोस्त भी जाकिर से ही लाया खरीद के 6 रील का, और इसे ये लाया 450 रुपये का, ठीक है, और अभी उसमें भर रहा है, मैं भी भरूंगा अपनी चकरी से, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसका थोड़ा पर्पल कलर का है और बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों सबसे पहले बांधते हैं कन्ने, ठीक है, कन्ने में बांधने के लिए मैंने आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर छेद करा है, एक ऊपर करेंगे एक नीचे करेंगे, जो लकड़ी होती है लकड़ी के एक ऊपर और एक इस साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, और एक हाथ जितना गैप लेंगे पतंग का जितना, और फिर नीचे छेद कर देंगे और लेंगे ये धागा, ठीक है, धागा इतना लंबा हो जाएगा जैसे यहाँ तक, एक पूरा हाथ धागा लेंगे, इसको डबल कर लेंगे, ठीक है, डबल कर लिया। तो सबसे पहले करेंगे ऐसे करके पकड़ी पतंग, पहले एक छेद में डाला आपने, एक छेद में गया पीछे से निकाला, और फिर ये इस लकड़ी के पार करते हुए यहाँ पर ये डाला और इसको यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें मार दी गाठ, ये ऐसे आ गया ना, अब ये मार दी गाठ, अब ऐसे डबल हो जाएगा। अब इस छेद के इस साइड डालेंगे,
और हमें दोस्तों उस साइड से निकालना है, यहाँ पे लकड़ी नहीं है, लकड़ी पीछे है, ठीक है, ये वाली। फिर यहाँ से पार करा, ये भी निकाल लिया और यहाँ पे मार दी गार्ड, ठीक है। अब जो मेन जो किस्सा आता है कि ये ऊपर नॉट कहाँ पे बांधे, ठीक है, तो नॉट बांधने के लिए ऐसे कर लो, एकदम सेंटर में ट्राइंगल सा बना लो और फिर ऐसे यहाँ से ऐसे दबाते हुए नीचे कर लो यहाँ तक, वो आपकी मर्जी कितना पकड़ना चाहते हैं, और फिर यहाँ से पकड़ के ऐसे गोल करके गांठ मार दो। ये बन गए तुम्हारे कन्ने, तैयार हो गए, देख सकते हैं आप, ऐसे बनने चाहिए कन्ने। दोस्तों अब मैं अपना मंजा निकालता हूँ जो लाया था जाकिर का, ठीक है, ये जाकिर का मंजा है, अब मैं उसमें भरूंगा। एक्चुअली वो मेरी नहीं है सद्दी की, वो मेरे दोस्त की है, तो उसमें मैं थोड़ा भर लेता हूँ, मैं पूरा मंजे से उड़ाता नहीं, क्योंकि एक्चुअली जब ज़्यादा ऊपर होती है ना तो हाथ वाथ कटने का डर रहता है, तो सद्दा सही है रहता है। तो दोस्तों आपको भरने का भी सिंपल सा तरीका बताऊँ, फास्ट फास्ट अगर भरना है तो पहले तो गांठ मार ली, ठीक है, आप इधर आ जाएं, ठीक है, और चक्री को एक बंदे को ऐसे पकड़ना और ऐसे करके आप टांग के नीचे से निकाल लेना, ठीक है, और फिर इसे घुमाना स्टार्ट कर देना, दूसरी साइड से घुमा के। हाँ, अब देखो कैसे फटाफट फटाफट भर रही है, देख रहे हो, जैसे वो मशीन से भरते हैं ना ऐसे फास्ट भरेगी, देखो, और एकदम टाइट टाइट भरी जाएगी, तो ऐसे मंजा भर लेना आप, देख रहे हो कितना स्ट्रेट स्ट्रेट भर रहा है सीधा, तो लगभग इतना भर लेते हैं और उड़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने धागा कन्ने सब बांध लिए, लेकिन एक जो गुरु मंत्र जो होता है जिससे प्यारी पतंग उड़ती है वो है झप मोड़ना, हिंदी में हम झप मोड़ना कहते हैं, जैसे तिल्ली ना स्ट्रेट होती है, इसको ना हल्का सा सर पे रखो और हल्का सा मोड़ो इसे, ज़्यादा भी नहीं कि टूट जाए, हल्का सा मोड़ लिया, ऐसे थोड़ा टिल्ट कर लो, ठीक है, इससे क्या होता है जैसे आप उड़ाते हो ना तो सीधी नीचे नहीं जाती, जैसे आप उड़ा के कभी ट्राई हो सीधे नीचे आई, इसे मोड़ लेते हो ना तो ऐसे लहर के ऐसे नीचे आती है, तो ये पतंग मुड़ जाती है, आपको खींचने का टाइम मिल जाता है, ये सीन होता है और कुछ नहीं होता। तो उड़ाने का तरीका, जब इसकी नोक ऊपर हो तो खींच मारनी है आपको ऐसे, देख रहे हो नहीं गई हवा में, जब ऊपर की तरफ नोको जब खींचो, ठीक है, देखो अभी अभी ऊपर की तरफ नोको ही तो खींचती है हमने। तो दोस्तों ये लाल वाली पतंग मेरी है, देखो पीछे करके देखो वो खींच मार रहा पन्नी वाला, आई पो काट दिया, देखो दोस्तों इसकी पतंग लपेटूंगा, पतंग के नीचे ऐसे गोल गोल घुमाओ अपनी पतंग, तो इसका जो धागा होता है ना वो रपट जाता है, जैसे आप देख सकते हो, देखो घुमाया हमने, शायद लपट गई होगी, लिपट गई नहीं लिपटी, तो चला गया, कोई नहीं, बट एक काट दी पतंग, वही है दोस्तों जहाँ से जूम आउट कर, तो दोस्तों वही है जहाँ में पतंग उड़ाते हैं वहाँ बस एक ही, पूरे मोहल्ले में एक ही पतंग दिखती है, वो है किसकी, आपके गौरव जोन की। ओए आज भी कटवा ले भाई। हाँ कितने की लाया, कितने की दुकान बताना। उड़ा यार जल्दी उड़ा, काटने का मन कर रहा है। दोस्तों अब ये उड़ा रहा है, ठीक है, ये पेच से लड़ा रहा है, इसकी ग्रीन वाली है और काली वाली से लड़ रखे हैं, काली वाली ये उड़ा रहा है, ठीक है, कटवा यार जल्दी कटवा भाई, अभी नहीं, ढील दे ढील दे, हल्की हल्की ढील दे, क्या यार कटवा ली। अच्छा तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, आप मैं पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी काइट, हाउ टू फ्लाई अ काइट, तो उसमें बोल रहे थे भाई आप मंजे से कन्ने बांधे, मंजे से नहीं बनते, भाई मेरे को पता है मंजे से नहीं बनते, सद्दी से बनते हैं, बचपन उम्र बीत गई, ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ वही उसी से होता है, ऐसा कुछ नहीं है मंजे से, यहाँ तक तो हमने प्लास्टिक के मंजे से भी कन्ने बांधे हैं, तो सबसे बनते हैं जिससे अभी आप बांधना चाहें, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो बता रहा हूँ एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ, तो मान लेना मस्त उड़ाओगे 15 अगस्त पे। तो बस दोस्तों वीडियो इतनी थी, आपने देखा कि हमने काफी पेचे भी काटे, और ये दोस्तों मतलब एक भी पतंग मैंने मेरी नहीं कटी, मैंने 3 काटी पतंग और एक वीडियो दो की दो बन नहीं पाई वीडियो, बाकी एक मैंने दिखा दिया आपको क्लिप में कैसे काटते और कैसे क्या था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई, और दोस्तों मैं बताऊं मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि आप में से आप तो अभी देख रहे हैं कि भाई गौरव पतंग उड़ा रहे, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना मुझे डेली देखते हैं कि भाई पतंग उड़ा काट रहा हूं, और जो मेरी लाइफ में जो बसूड़ी होती रहती है सब वहां दिखाता रहता हूं स्टोरीज में, तो मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मुझे दोस्तों ये बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देना, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।